नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त सात की बात का है और आज सात की बात का पूरा बुलेटिन खास है, क्योंकि आज ये पूरा समय हम बात करेंगे कल्याण सिंह की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है। पंचतत्व क्षितिज जल पावक गगन समीरा से बना शरीर चंद मिनटों में पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु में सम्मिलित हो गया। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो उनकी यादें और उनके कार्य। राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर अपने पथ पर चले कल्याण सिंह, इसका निर्माण देखकर अनंत पथ की ओर प्रस्थान कर गए। उनके बेटे ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। राम मंदिर आंदोलन से देश भर में चर्चा में आए कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गमगीन हैं। जिन्होंने भी उनके साथ काम किया उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। कोई उन्हें प्रेरक नेता बता रहा है तो कोई विकास की राह पर चलने वाला व्यक्ति। चलिए ऐसे में जानते हैं कल्याण के सफर को। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कल्याण सिंह का जन्म अलीगढ़ के अतरौली में हुआ था। 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने बीए तक पढ़ाई की और फिर एक कद्दावर नेता बनने की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। आज जानते हैं कि कैसे वो पहला चुनाव हारने के बाद हिंदुत्व की राजनीति को शिखर तक ले गए थे। में ही जनसंघ की शुरुआत हो गई और 1952 के चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली। इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीटें मिली, यानी 5 साल के अंदर ही जनसंघ ने अच्छी ग्रोथ कर ली थी। आज जानते हैं कि कैसे वो पहला चुनाव हारने के बाद हिंदुत्व की राजनीति को शिखर तक ले गए थे। आज बात कल्याण सिंह की हो रही है। इस अजीम हस्ती ने कल्याण सिंह को ढूंढ कर निकाला था। अगर उत्तर प्रदेश में मजबूती चाहिए तो जाहिर था कि जनसंघ के पास पिछड़े वर्ग के कुछ अच्छे लोग हो। अब ऐसे चेहरे ढूंढने की जिम्मेदारी मिली हरीश चंद्र श्रीवास्तव को। वे उस वक्त के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। जब उन्होंने पिछड़े वर्ग के नेता की खोज शुरू की तो मालूम हुआ कि अलीगढ़ में एक लूथ लड़का है, बड़ा तेज तर्रार है और नाम है कल्याण सिंह। किस जाति से आते थे कल्याण सिंह? अलीगढ़ से गोरखपुर तक लोधी जाति की अच्छी खासी आबादी थी। माना जाता था कि यादव और कुर्मी के बाद लोधी ही आते हैं। ऐसे में कल्याण सिंह को अपनी पर्सनैलिटी के साथ लोधी होने का भी फायदा मिल गया। इसके बाद कल्याण सिंह को कहा गया कि सक्रियता बढ़ाएं और पार्टी को जिताएं, जिसके बाद वो काम पर लग गए। 1962 में पहली बार उन्होंने अतरौली सीट से चुनाव लड़ा। उस समय वो महज 30 साल के थे। कहां से लड़े पहला चुनाव? कल्याण सिंह अपना पहला चुनाव अतरौली से लड़े थे, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। सोशलिस्ट पार्टी के बाबू सिंह ने उन्हें हरा दिया। लेकिन कल्याण सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। 5 साल उन्होंने खूब काम किया, पसीना बहाया और फिर चुनाव में उतरे। इस बार कल्याण सिंह जीत गए और बाबू सिंह को जितने वोट मिले थे उससे भी करीब 5,000 वोट ज्यादा कल्याण सिंह को मिले। करीब 26,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को हराना उस समय एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन फिर लगातार 3 बार मिली जीत। इसके बाद 1969, 1974 और 1977 के चुनाव में भी उन्होंने अतरौली में अपना परचम लहराया। 4 बार लगातार विधायक बने। पहले 3 बार जनसंघ के टिकट पर, चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर। हालांकि 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह की जीत का सिलसिला थम गया। कांग्रेस के अनवर खान के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नई नवेली भाजपा के टिकट पर 1985 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने जोरदार वापसी की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से लगातार विधायक
बनते रहे। दो बार बने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत के वजीर आला। साल 1991 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कल्याण सिंह को पिशो का चेहरा बनाकर रियासत की प्रयोगशाला में उतार दिया। कल्याण सिंह की छवि पिशो के नेताओं के साथ साथ एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर मजबूत हो गई। कल्याण सिंह दो बार यूपी के सीएम रहे। वो भाजपा के यूपी में पहले सीएम भी थे। पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वजीर आला रहे। हिंदुत्व की राजनीति को शिखर पर पहुंचाया। हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले कल्याण सिंह की गिनती अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए राह हमवार करने वालों में होती है। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी को गिराया गया तो उस वक्त कल्याण सिंह सूबे के वजीर आला थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद उन्हें हुकूमत गंवानी पड़ी, लेकिन कल्याण सिंह ताउम्र कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाने के अपने फैसले को सही मानते हुए इस पर अड़ी रहे। वो उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र रह चुके हैं और कई नेता उनका सानिध्य पाकर पनपे हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आठ बार विधायक, तीन बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। कल्याण सिंह ने 89 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। अलीगढ़ के अतरौली में जन्मे कल्याण सिंह भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अलावा भी उन्हें कई बातों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। मंदिर की बुनियाद के लिए रास्ता किया हमवार। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बुनियाद के लिए राम हमवार करने वालों में सरे फहरिस्त माने जाते हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। हालांकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को बचाने का हलफनामा दिया था, लेकिन उन्होंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश भी दिया था। आखिर कार सेवकों के बाद बाबरी मस्जिद गिर भी गई और उत्तर प्रदेश से उनकी सरकार का पतन हो गया। दलितों के पहले नेता बने कल्याण सिंह। ब्राह्मण बनियों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी में पिछड़ों और दलितों के पहले नेता के तौर पर कल्याण सिंह को जाना जाता है। अलीगढ़ से गोरखपुर तक लोधी जाति की अच्छी खासी आबादी थी। माना जाता था कि यादव और कुर्मी के बाद लोधी ही आते हैं। ऐसे में कल्याण सिंह को अपनी पर्सनैलिटी के साथ लोधी होने का भी फायदा मिला। इसके बाद कल्याण सिंह को कहा गया कि सक्रियता बढ़ाए और पार्टी को जिताए, जिसके बाद वो काम पर लग गए। 1962 में पहली बार उन्होंने अतरौली सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। उस समय वो महज 30 साल के थे। अटल बिहारी वाजपेयी से कर ली थी अदावत। भाजपा की लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में 24 जून 1991 में पहली बार सरकार बनी। पहली बार भाजपा को ऐसा एक नेता मिला जिसने न सिर्फ सत्ता का स्वाद चखाया बल्कि एक आत्मविश्वास भी दिया। लेकिन कहा जाता है कि उसमें खुद में इतना अति आत्मविश्वास हो गया कि देश के पीएम से अदावत कर ली। साल 1999 में अटल और कल्याण के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। कल्याण ने यहाँ तक कह दिया, मैं भी चाहता हूँ कि वो पीएम बने, लेकिन उन्हें पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनना होगा। पार्टी से जाना पड़ा बाहर और फिर आए वापस। गौरतलब है कि इसके बाद कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अटल लखनऊ से लड़े और जीते भी। वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन कल्याण सिंह की राजनीतिक स्थिति खराब होती गई। अपनी पार्टी बनाई, सफलता नहीं मिली तो साल 2007 में भाजपा में वापसी हुई। भाजपा ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। मुलायम की मदद से पहुंचे लोकसभा।
भाजपा की हार के बाद उन्होंने फिर पार्टी का दामन छोड़ दिया और मुलायम की मदद से लोकसभा पहुंच गए और 2010 में दूसरी पार्टी बनाई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद 2013 में एक बार फिर वापसी की। राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी बने। उनके दौर के नेता नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं, लेकिन कल्याण सिंह उस अदावत के बाद उभर नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। एक प्रयोगशाला है, यहाँ पर नित नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं और इसी प्रयोगशाला से निकला था कल्याण सिंह। तो आइए जानते हैं कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर और पारिवारिक सफर कैसा रहा। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते पर बनी थी। केंद्र में कांग्रेस ने हरसिंह राव को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये राम मंदिर आंदोलन के चरमोत्सव का दौर था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में विवादित स्थल पर जमा कार सेवकों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए और घायल हुए थे। माहौल बेहद ही गर्म और उत्तेजनात्मक था। ऐसे माहौल में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत मिली थी। पार्टी और पूरे संघ परिवार के लिए देश के सबसे बड़े राज्य आजादी के बाद अपनी सरकार बनाना भावी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए बीजेपी सफलता को किसी के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था। बीजेपी के एक प्रमुख नेता बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और बीजेपी नेतृत्व के बीच तय हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री के बाद दूसरी मानी जाती रही है और केंद्र में कांग्रेस के दक्षिण भारत के एक विद्वान और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनके मुकाबले के लिए वैसा ही वरिष्ठ और परिपक्व ब्राह्मण नेता बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसीलिए वाजपेयी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वाजपेयी ने केंद्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में जाकर सरकार चलाने में अनिच्छा जाहिर की थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर मना करने की बजाय शर्त रख दी थी, वो तभी ये जिम्मेदारी संभालेंगे अगर संघ नेतृत्व वचन दे कि अगले 4 साल तक मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और उन्हें निर्बाध काम करने दिया जाएगा। ये शर्त संघ और विहिप को कतई भी मंजूर नहीं थी और अटल बिहारी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद दूसरे नाम पर विचार शुरू हुआ और तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि जोशी उत्तराखंड, जो तब तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, के मूल निवासी हैं और इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि रही है। उनकी विद्वता और ज्ञान असंदिग्ध है। वो ब्राह्मण होने के साथ साथ मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे और धर्म संस्कृति पर उनकी पकड़ निर्वाचित थी। लेकिन डॉक्टर जोशी कुछ महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके जाने से संदेश जाएगा कि पार्टी के पास प्रदेश में कोई नेता ही नहीं है। यूपी की राजनीति की प्रयोगशाला है, यहाँ पर नित नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं। इसी प्रयोगशाला से निकला था नितान सल्फ्यूरिक एसिड, जो दूसरों पर गिरे तो जला दे, खुद पर गिरे तो गला दे। कल्याण सिंह नाम तो सुना ही होगा। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त की राजनीति में दो वजहों से याद किए जाते हैं। पहला, नकल आद्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे।
कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए घर बन गया। दूसरा है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये हिंदू समूह का ड्रीम जॉब था। इसके लिए 425 में 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए। सरकार तो गई पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण खड़े उतरे थे। रुतबा भी उसी हिसाब से बड़ा था। दो ही नाम थे उस वक्त, केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। और जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा, जिसमें बचपन तक को कह दिया कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। दूसरा, अपनी पारिवारिक मित्र कुसुम राय के लिए, जिसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी। कल्याण के चलते कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाल दिए गए। कुसुम भी गई पर बाद में कुसुम भाजपा से ली राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। कल्याण सिंह ने राजनीति को नाथ दिए। अब आपको ले चलते हैं साल 1962 में, अलीगढ़ की अतरौली सीट। 30 साल का लोध समाज का लड़का जनसंघ से चुनाव लड़ता है, हारता है पर हार नहीं मानता। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं। इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 4000 वोटों से हरा देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से आज भाट विधायक बनता है। ये वो दौर था जब यूपी में चौधरी चरण सिंह ने एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी की और सफलता भी पाई। उसी वक्त हिंदुस्तान में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। वेस्ट यूपी में किसानों की स्थिति मजबूत हुई। इसमें से ज्यादातर किसान ओबीसी थे। कल्याण सिंह बड़े आराम से जनसंघ में पिछड़ी जातियों का चेहरा बनने लगे। 1977 में जब जनता सरकार बनी तो इसमें पहली बार पिछड़ी जातियों का वोट शेयर लगभग 35% था। कल्याण सिंह ने पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके में 1967 में चुनाव लड़ा और जीता। लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार पराजित किया, लेकिन भाजपा के टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर कामयाबी हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, जनसंघ से भाजपा बन गई। पर 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बुरी हार गई, मात्र 2 सीटें मिली। अटल खुद हार गए थे। इसी बात भाजपा को एक नया मुद्दा मिल गया जो यूपी ने लिया, अयोध्या मंदिर का मुद्दा। कल्याण सिंह के जीवन में आया काला दिन। पर मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण पद होता है, विधानसभा अध्यक्ष का। इसे लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया। बाद में भाजपा के ही केसरीनाथ त्रिपाठी बने विधानसभा अध्यक्ष और ये ऐसा फैसला था जिसे बाद में कई कांड किए और इसी वजह से पता चला कि ये पद क्यों महत्वपूर्ण था। 21 सितंबर 1997 को मायावती के 6 महीने पूरे हुए और भाजपा के कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री बने। बहुत से नेताओं का जोर जबर था कि ये ना बने, पर हिंदू हृदय सम्राट का तमगा देखकर पीछे हटना भी तो मुश्किल था। यूपी की प्रयोगशाला में कई एक्सपेरिमेंट हुए। बसपा, कांग्रेस और जनता दल में भारी तोड़फोड़ हुई और कई विधायक भाजपा में आ गए। कल्याण सिंह को इसका मास्टरमाइंड माना गया। दल बदलों पर विधानसभा अध्यक्ष का ही फैसला मान्य होता है। वो तो भाजपा के ही थे तो कल्याण को कोई दिक्कत नहीं हुई। त्रिपाठी की बहुत आलोचना हुई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 अक्टूबर 1997 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का एक और काला दिन है और कल्याण सिंह सरकार का दूसरा। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइक फेंकाफेंकी, लात घूंसे, जूता चप्पल सब हुआ। विपक्ष मौजूद नहीं रहा। कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। उन्हें 222 विधायकों का समर्थन मिला जो भाजपा की मूल संख्या 173 से 49 अधिक था। विधानसभा में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल रमेश भंडारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। 22 अक्टूबर को केंद्र ने सिफारिश को राष्ट्रपति के आर नारायणन को भेज दिया, लेकिन राष्ट्रपति नारायणन ने
केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा विचार के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया। आखिरकार केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने का फैसला कर लिया। दो मुख्यमंत्रियों की कहानी। अब सब कुछ कल्याण सिंह के हक में था, सबको इनाम भी देना था। कल्याण सिंह ने पारा बदलकर आज दूसरी पार्टियों के हर विधायक को मंत्री बना दिया। देश के इतिहास में पहली बार 93 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। पर जिस मशीन को कल्याण सिंह ने चलाया था अब वो उनके काबू से बाहर हो गई थी। बाकी पार्टियों ने भी वैसा ही गठजोड़ करना शुरू कर दिया था। हुआ ये था कि कांग्रेस से टूटकर 21 विधायकों ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बना ली थी। ये लोग कल्याण के साथ थे। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कल्याण सरकार ने जोर दिया कि स्कूलों में सारी प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत भारत माता पूजन से शुरू हो, यह सर की जगह वंदे मातरम बोला जाए। फरवरी 1998 में सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों से मुकदमा वापस ले लिए। घोषणा भी हुई कि अगर केंद्र में सरकार आई तो मंदिर वही बनाएंगे। 90 दिन में उत्तराखंड भी बनेगा। 21 फरवरी 1998 को यूपी में फिर ताला लगा है। कल्याण सिंह की राजनीति में तीसरी बार आया था। राज्यपाल रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रात में ही 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका कल्याण की ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, पर दूसरी पार्टियों से खुफिया बात कर अपना काम कर लिया करती थी। इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। रात को ही लोग हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने अगले दिन राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। उस दिन राज्य सचिवालय में अजीब नजारा देखने को मिला। वहाँ दो दो मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। जगदम्बिका पाल सभी ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए, छोड़ ही नहीं रहे थे। जब उन्हें हाईकोर्ट का आदेश लिखित में मिला तब भय भरी मन से कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़कर चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें कल्याण सिंह की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव किया। दो मंत्रियों का किस्सा यही खत्म हुआ। इसमें एक और रोचक चीज थी। कुछ समय पहले तक सपा के सर्वे सर्वा रहे और वर्तमान में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, जगदम्बिका के साथ आए थे। उनके मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत उप मुख्यमंत्री बन गए और कल्याण के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा में आ गए। कहा कि देख लीजिए मैं ही स्थायी सरकार दे सकता हूँ यूपी में। हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी से निकाला गया पर भाजपा को कीमत चुकानी पड़ी। पर एक बदलाव हो गया राजनीति में। पहली सरकार में जहां कल्याण सिंह माफियाओं के लिए सिर दर्द थे तो दूसरी बार माफिया उनके सरकार में मंत्री बन बैठे। 1993 में कल्याण सिंह जब राजा भैया के खिलाफ प्रचार करने गुंडा पहुंचे तब नारा दिया था, गुंडा विहीन करो ध्वज उठाए दो हाथ। पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर राजा भैया को मंत्रिमंडल में जगह दी थी क्योंकि मायावती के कल्याण से समर्थन वापस लेने के बाद तक राजा भैया ने कल्याण की मदद की थी। पर उस वक्त एक और बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की एक दोस्त हुआ करती थी कुसुम राय। इनके पास सरकारी पावर बहुत थी जबकि वो सरकार में कुछ खास नहीं थी। आजमगढ़ की कुसुम राय 1997 में भाजपा के टिकट पर लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद का चुनाव जीत कर आई थी। पर कहते हैं कि कल्याण सिंह के बुरद हस्त के चलते बड़े बड़े फैसले बदल गए थे। इस बात से भी पार्टी के कई नेता नाराज थे। आपसी लड़ाई तो थी ही, कल्याण सिंह भी किसी की परवाह नहीं करते थे। सबके खिलाफ ऊपर रिवोल्ट कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते खराब कर लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया तो आडवाणी से रिश्ते खराब हो गए। 1999 में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर कल्याण ने राष्ट्रीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया। ये वही असर था जो अपने हाथों पर गिर गया था। यूपी में भाजपा की लुटिया डूब गई। भाजपा को घाटा तो हुआ पर कल्याण को कोई फायदा नहीं हुआ। वापस पार्टी में आए पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। 2007 में उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने चुनाव लड़ा पर कोई फायदा नहीं हुआ और कल्याण ने वो काम किया जो हैरान करने वाला था। सपा की सीट से लोकसभा में सांसद हो गए। फिर यूपी विधानसभा के 2022 चुनाव में इन्होंने अपनी पार्टी से ही 200 कैंडिडेट उतार दिए, एक भी सीट नहीं मिली। अपने घर अतरौली में भी दुर्गति हो गई। अतरौली से इनकी बहू प्रेमलता हारी, यहीं से कल्याण 8 बार जीते थे। डिबाई से इनके बेटे राजू भैया भी हारे। चुनाव के दौरान कल्याण हेलीकॉप्टर से घूमते, लोगों को एक एक वोट का महत्व समझाते, लोग समझते थे शायद। 26 अगस्त 2014 को कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। 85 साल के अपने नेता को भाजपा ने शायद भुलाया नहीं।
जनवरी 2015 में इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। एक कमाल की बात है कि कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही 2000 के आसपास बहुत तेजी से ऊपर चल रहे थे। दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी की नजरों में ऊंचे नहीं थे, आडवाणी खेमे के थे। दोनों ही हिंदू हृदय सम्राट के तंबी के लिए लड़ाई थे। दोनों ही पिछड़ी जाति से थे, पर मोदी ने अपनी राजनीति बचा ली, कल्याण नहीं बचा पाए। जनवरी 2017 की अपनी लखनऊ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया। वहीं नवंबर 2016 में मेरठ रैली में अमित शाह ने प्रदेश की जनता से वादा किया कि कल्याण सिंह का सुशासन आएगा यूपी में। अभी कल्याण सिंह का 25 साल का पोता संदीप सिंह अंगौड़ी से चुनाव लड़ रहा है। इनका बेटी राजवीर तो पहले से ही भाजपा सांसद है। यानी ये कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में कल्याण ने बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ गवाया। और आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।